जी वेलकम बैक फ्रॉम आर ब्रेक बिलाल भाई प्रॉमिस इसके बाद मैं आपको टॉर्चर नहीं करूँगी ख़ास वर्द मिसाल के तौर पर सूर्य यासिन का ख़ास वर्द कि आप जब पढ़ रहे हैं सूर्य यासिन उसमें सात बीच में स्टॉपज होते हैं तीन दफ़ा पढ़ना है उसके बाद फिर आप उसको जारी रखें उसके बाद तीन दफ़ा कुछ और पढ़ें इस तरह का एक सूर्य यासिन का ख़ास वर्द जो है वो मैं आपको सिर्फ़ एक मिसाल दे रही हूँ ये ख़ास वर्द क्या नॉर्मल खास समझता हूँ जो के, के रसूल ने कहा आप ये पढ़ें अल्लाह का पैगाम अल्ला का अहदीस आप तो में आपको बहुत से विरध मिलते हैं मसाल के तौर पर जो लाहौल वाला कवता अला बिल्ला है ये विद हदीस में है या जल जलाल वाल कुरान में या जुल जलाल भी लिखे हदीस में या जल जलाल वाल जल जलाल का विद करना हदीस है अल्लाह के, तो अल्ला के रसूल के के बाद जिन अहबाब ने वर्द बनाए अपनी बेहतरीन ईमानदारी और इल्म की बेस पे बनाए होंगे लेकिन उनको क्वेश्चन करना जो है वो मेरा हक है मैं उनको क्वेश्चन कर सकता हूं अच्छा। एक अगर इनका ताल्लुक रसूल से नहीं है तो फिर ये आपकी ऑप्शन और चॉइस है हमने मैथमेटिकल डोमेन में जाकर बहुत से विरदों को इसलिए डेवलप कर लिया क्योंकि जब हम सब कॉन्टिनेंट में आए हैं तो ये जो न्यूमरोलॉजी की साइंस थी ये बहुत डोमिनेंट थी प्रडिक्शंस के लिए भी और, और प्रडिक्शंस और इबादात के लिए भी मिसाल के तौर पे आपने फला वेद को नौ दफा पढ़ने के बाद वक्फा कर लेना है फिर तीसरी वेद को उठाना है उसको सात दफा करना है फिर पहली वाली पे आपने नौ दफा मिसाल के तौर तो पर जो सूर्य यासीन का खास है, वो तीन दफा होता है और आपने जुमा की नमाज के बाद तो मैं तो वो पढ़ते पढ़ते मैं स्लो हूँ जरा वो तो असर हो जाती है जो भी आपको विरत करना है आप ये तो गौर करें कि आप जो विरद कर रहे हैं वो अल्लाह का नाम ही पढ़ रहे हैं वो इबादत तो है। बिल्कुल उस पर कोई डाउट नहीं है लेकिन इसको इस तरह से प्रसीव करना कि यही तरीका अल्लाह ताला ने मुतन फरमाया मैं सिर्फ इस पे क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने तरीका मुतन नहीं फरमाया एक और कॉलर जी जी। भी मौजूद है असला हेलो अस्सलाम वालेकुम जी कौन साहबा बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं जी मैं लाहौर से बात कर रही हूँ शाजिया जी शाजिया कैसी हैं आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ आपका पीर का दिन कैसा जा रहा है शुरू है हफ्ते का हाँ जी बस आपका प्रोग्राम देख रही हूँ बहुत अच्छा जा रहा है शुक्रिया बहुत बहुत जी जी आपने बिलाल भाई से बात करनी हाँ है कोई सवाल करना है बैठे हुए आप सवाल कीजिए अस्सलाम वालेकुम वालेकुम कैसे हैं बिलाल भाई अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने बच्चों के बारे में बात करनी है आपसे जी बेटा बेटी का नाम है वाइजा और मेरे बेटे का नाम है हनान जो आपने ही उसका नाम रखा अच्छा तो बलाल भाई मैंने अपनी बेटी के बारे में बात करनी थी कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छी थी पहले उसका बिहेवियर भी बहुत अच्छा था लेकिन जो जो वक्त के साथ साथ मतलब मेरा उसके साथ ऐसा एक लिंक हो गया है कि मेरी और उसकी हर वक्त बस बहस होती रहती है मैं हर वक्त उसको कहती रहती हूँ ऐसे रहो ऐसे बाल बनाओ ऐसे ये करो वो करो लेकिन उसको लगता है कि जैसे मैं उसको हर वक्त यही कहती रहती हूँ कि तो आप ठीक नहीं हो वो फिर ये कहती है कि आप मुझसे प्यार नहीं करती हो मतलब लेकिन मेरा हर टाइम यही होता है कि मैं उसको ये कहूँ आप ऐसे रहो ऐसे रहो ऐसे रहो आपकी मेरी बेटी नौ साल की है पोजीशन तो, हाँ, मतलब वगैरह ये वो पता वा... नहीं क्यों उसका चढ़चड़ा हो गया अब जब हन्नान का नाम रखा था तो वाइजा का नाम तो मैंने यकीनन नहीं रखा होगा नहीं नहीं आपने कहा था कि उसका नाम ठीक है वायजा हाँ। का मतलब क्या होता है वायजा का मतलब वाज करने वाली नेकी की नसीहत करने वाली अच्छा देखो मैं फिर आपसे अर्ज कर रहा हूँ और बहुत दफा मैं कह चुका हूँ कि ना मानी के ऊपर नहीं जाता मेरे मेरी दानिश में मानी के ऊपर नहीं जाता वो अपने अल्फाबेट्स जो हर अल्फाबेट है वो उसका एक जेनेटिकल कोड है अब वाइजा के पहली बात तो मैं एक सोशल अपनी विजडम पे बेस्ड एक कह दूं कि नौ साल की बेटी के साथ अगर माँ बहस कर रही है और वो दोनों बहस में मुलवस हैं तो मुझे तो बड़ा एक अजीब सा मामला है कि बहस इसमें क्यों सूरत है यह कहना बहुत आसान बात है यह मैं अपनी जिम्मेदारी पे बात कह रहा हूं इस पे आप डिसग्रीमेंट कर सकते हैं मां बाप का काम जो है वो दोस्ती करना जरूर है लेकिन बहरहाल मां बाप जो है वो मां बाप हैं इनको अपने मां बाप होने का जो एहसास है उससे अपनी औलाद को महरूम नहीं करना चाहिए वायजा जो है इसमें डिफिकल्टी का जो पैटर्न है वो प्रमेनेंस है वो बात अपनी मनवाकर सेंटर ऑफ न्यूक्लियस रहना चाहती है और फिर इसका जो आखिरी कैरेक्टर है वो रिस्पेक्ट कॉन्शियस भी बहुत है और स्टबलनेस की तरफ जाएगी अब ये जो टेंट मैं आपको कह रहा हूं इन टेम्परामेंट्स को आपको हैंडल करना पड़ेगा उसको अगर एक बच्चा प्रोमिनेस चाह रहा है स्टबन है और रिस्पेक्ट चाह रहा है तो आपको इन ही तीन एस्पेक्ट्स को मद्देनजर रखते हुए उसके लिए एक गाइडलाइन मुरतब करनी पड़ेगी बच्चों को ट्रीट करने का कोई एसओपी नहीं होता कोई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर नहीं होता <laughs> कि हर किसी को आप उसी चीज में डाल दें और वो अगली तरफ से वैसा ऐसा बिल्कुल नहीं होता आप इंसानों से डील कर रहे हैं एंड दे आर इन दियर मेकिंग और ये जो नौ साल की क्लास थ्री में मेरे भांजे भतीजे तो उस वक्त सॉरी लेकिन अम्मियों से ज़्यादा जो टीचर होती है ना टीचर ने अगर कोई बात कर दी वो 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 चूँ किए बग़ैर क्योंकि उनके रोल मॉडल वो टीचर, टीचर हो गए तो वो थोड़ी देर के लिए रहता है फिर अभी तो अभी वो टीन एजर नहीं बनी जो प्रॉब्लम्स टीन टीन में आती हैं मेरे ख्याल में अगर मैं बड़ी अदब के साथ ये बात अपनी बहनों से दरख्वास्त करूँ बच्चों की तरबियत में मिस को रोल मॉडल वो क्यों मानते हैं और मां को क्यों नहीं मानते हैं इसमें बहुत बड़ा जो इशू होता है ना दैट इज ऑफ क्रिबिंग आपके सौ प्रॉब्लम्स हों अपनी मैरिटल लाइफ में यू मस्ट टॉक अबाउट ऑल देयर इश्यूज इन योर ओन रूम नेवर ब्रिंग देम ओपन टू द एक्सटेंड ऑफ ब्लैक मेलिंग तक चले जाते हैं उनको पता होता है कि कौन सी कमजोरी माँ में है कौन सी कमजोरी बाप में है इन मामला को आप बाहर ना लाएं अंदर रखें जो तस्बीहार शाजी आपको दी है आप उस पर कायम रहिए और इनशाला आपके इन मसाइल को भी हल बिलाल भाई शुक्रिया बहुत बहुत आपका इन शह कुब फिर से जुमे को हम लोग यहाँ फिर फिर मौजूद होंगे बिलाल भाई आपने जो भी मसले और जो कॉलर्स हम तक नहीं पहुँच सके क्योंकि बिजी थी लाइन्स प्लीज ट्राई अगेन और इन शहर ई मेल हमें भेजिए ताकि हम लोग इन जुमे को वो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे तो बिलाल भाई शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। और हम ये बता दें कि हम अभी जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे कुतुब का सेगमेंट अब खत्म हो गया है और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो कोई बहुत जोर जोर से कह रही है मैं नहीं मंदी मैं नहीं बोल दी तो आ, मैं आपको बताने की जरूरत नहीं कि हमेरा अरशद हमारे साथ होंगी जब हम ब्रेक से वापस आएंगे